नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने इसे कट किया है, 14.5 इंच लंबाई रखी है। जितनी लंबाई आपको रखना है 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। शोल्डर लिया है 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 6 इंच, गले की चौड़ाई का निशान हमने 2.5 इंच पर लगा दिया। अब इस तरह से देखिए लंबाई का निशान करना है। ये पूरा चौकोर गले का डिजाइन है, तो हमें पूरा ही सीधा कट कर लेना है। तैयार ये 10 इंच का आएगा। अब इसको इस तरह से पूरा सीधा ही कट कर लेना है। तो ये हमने कट कर लिया, कपड़े पर रख कर इसे कट करेंगे। तो ये बॉर्डर वाला पार्ट है, बॉर्डर वाले पार्ट पर ये हम कपड़े की कटिंग करेंगे, और जो प्लेन वाला इसका पार्ट है उसे डिजाइंस रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरह इसको रखना है। सीधी तरफ हमने अस्तर को ऊपर की तरफ रखा है, और गले पर सिलाई लगाएंगे। सिंपल ही गले को इस तरह से बनाएंगे। तो ये इस तरह सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पर एक कट लगा दिया। अब इसको इस तरह से पलटना है। तो देखिए, इस तरह से पलटते हुए ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई इस तरह लगा दी। अब साइड से ये अस्तर और कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई लगा देना है। इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। इसको भी इसी तरह से पलट लेंगे, और ऊपर से एक सिलाई गले पर लगा देंगे, साइड से अस्तर पर लगा देंगे। दोनों पार्ट में देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद इस पर जो डिजाइन है उसे बनाना है। तो ये सिलाई देखिए हमने लगाकर ये दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। अब पाइपिंग गले पर बनाएंगे। तो ये हमने पाइपिंग पट्टी ली है, और एक तरफ से मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इस पर सिलाइयाँ लगानी हैं। तो हमने सिलाई लगाई, अब इस तरह पाइपिंग को बनाना है। तो पहले गला को हमने देखिए इस तरह पलट कर तैयार किया, उसके बाद इस पर पाइपिंग रखेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग अब बना लेंगे। पतली सी पाइपिंग निकालना है। तो ये इस पर इस तरह से हमने पाइपिंग बना ली है। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब देखिए, इस पर डिजाइनें लगाएंगे 10 इंच पर। 10 इंच पर ऊपर गले पर जो डिजाइन लगाएंगे तो हमने मार्क कर दिया है। अब इस तरह से कपड़ा कट कर लेंगे। 2 इंच का चौकोर लिया है, और इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए सिलाई पहले लगा लेनी है। पहले इस तरह डिजाइनें हमें बना लेनी है, उसके बाद इसको गले पर लगाना है। तो पहले देखिए सारी डिजाइनें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जितनी गले पर लगेगी, हमने कपड़ा कट किया हुआ है, जितनी गले पर लगेगी इसी तरीके से बना लेंगे। फिर इसको गले पर लगाना है। सिर्फ ऊपर जो 10 इंच पर मार्क किया है वहाँ तक ये डिजाइंस रहेगी, नीचे जो आएगा उसको छोड़ देंगे, उस पर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह इसको अंदर की तरफ से रखते हुए पाइप नीचे से इसको रखेंगे, और पाइपिंग के नीचे से सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा बाहर नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पर छोटी छोटी डिजाइनें लेनी हैं। तो जितनी बड़ी लेनी है उतना बाहर करते हुए इस तरह रखते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे पर। तो ये देखिए, इस तरह से लगा दिया। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उस पर भी लगा लेना है। उसके बाद अब जो बीच में डिजाइंस रहेगी उसको तैयार करना है। तो ये हमने कपड़ा कट किया है, और देखिए यहाँ पर ले लेंगे 2.5 इंच का चौकोर लेना है। छोटा ना हो, थोड़ा बड़ा रहेगा तो चलेगा, ताकि डिजाइनें बहुत छोटी ना बने। अब ये सीधा कपड़ा लिया है,
अब यहाँ पर 8 या 9 इंच लंबाई इसकी ले लेनी है। अब यहाँ पर आधा इंच चौड़ी पट्टी पहले बना लेनी है। तो देखिए ये कपड़ा हमने लिया और इस पर सिलाई डाली। अब इसको पलटना है, पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये इस तरह से इसको पलट कर आधा इंच चौड़ी पट्टी हमें तैयार कर लेनी है। चौड़ाई इसकी आधा इंच ली है और देखिए लंबाई इसकी 8 या 9 इंच ले लेनी है, थोड़ा बढ़ा कर ही लेंगे। और उसके बाद ये डिजाइन देखिए इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरह से रखना है, थोड़ा सा छोड़ देंगे, आधा इंच लगभग छोड़ते हुए ये डिजाइन इस तरह से बना कर रखनी है। खुली वाली साइड नीचे की तरफ रखते हुए इसे लगाएंगे। तो ये हमने खुली वाली साइड देखिए इस तरह नीचे की तरफ रख लिया और एक बराबर से सभी को लगाना है। तो एक बराबर से बनाते हुए सिलाई इस पर लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से लगा लेना है और इस लास्ट में भी आधा इंच छोड़ते हुए ही इसको लगाना है। सिलाई के लिए भी छोड़ना है और इस तरह से इन डिजाइनों को लगाना है। एक डिजाइन इस पर और आएगी तो लास्ट में एक डिजाइन और लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो सिलाई वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा उसे कट कर देंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे, जो ज़्यादा है उसे कट कर देना है, पट्टी के बाहर ना निकला रहे। तो उसे इस तरह से कट कर दिया। अब देखिए इन डिजाइनों से हमें इस तरह से डिजाइनें बनाते हुए इस पर एक एक करके मोती लगाने, देखिए इस तरह से बनाना है। एक डिजाइन हमने बना ली इस तरह, इसको करते हुए यहाँ पर पकड़ कर सिलाई लगाएंगे और एक मोती लगाएंगे। पट्टी भी ज़्यादा चौड़ी है, ये सिलाई के लिए हमने लिया था चौड़ी। अब थोड़ा सा फोल्ड करते हुए साथ में ही देखिए अंदर की तरफ हमने थोड़ा सा पट्टी को भी फोल्ड किया इस तरह से, और फिर इस तरह इसको करते हुए पट्टी को साथ में पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। पट्टी साथ में पकड़ेंगे और ये कपड़ा भी इस डिजाइन का, और इस तरह से पकड़ेंगे और सिलाई इस पर लगाएंगे। तब सभी डिजाइनें हमें इसी तरह से करते हुए बना लेनी है। ये इस तरह से मोती बीच में लगाएंगे, बीच में मोती लगाई हमने और किनारे से भी एक सिलाई पकड़कर लगा दी, पट्टी और इस डिजाइन दोनों को पकड़कर, ताकि बिल्कुल पट्टी के बीचों बीच ये डिजाइन इस तरह से आए। अच्छे से इसको इस तरह बनाना है, फिर पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और एक मोती बिल्कुल बीचों बीच इसके लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें मोतियाँ इस पर लगा लेनी है और सिलाई भी साथ में लगा लेनी है। पूरी डिजाइन इसी तरह बनाएंगे। तो इसी तरह हमें 3 डिजाइनें लेनी है। ये देखिए हमने एक ली, 2 और लेंगे, तो ये 2 भी इसी तरह से बना ली। अब तीनों को यहाँ पर जो हमने छोड़ा है नीचे, ऊपर 10 इंच तक डिजाइनें रखी है, इस साइड थोड़ा कम ही रखा है, तो जो 1-2 डिजाइन से यहाँ पर खाली आएगा तो लगा देंगे बाद में। अब इसको बराबर से मिलाना है, तो बराबर से मिला लेंगे, उसके बाद सिलाई पर लगाएंगे। सटाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप देंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। अगर बिल्कुल सटा कर रखेंगे तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आएगी। थोड़ा सा गैप देते हुए इस तरह बराबर से रखना है तीनों को और इस तरह सिलाई लगा देनी है। तो हमने एक तरफ से सिलाई लगा दी है। अब यहीं से इस तरफ भी नाप लेंगे, निशान यहीं से कर दिया जहाँ से हमने इसे रख कर सिलाई लगाई है। अब दूसरी तरफ भी 1-2 डिजाइन अंदर हमारी दब अंदर आएंगे सिलाई में, तो उसे बाद में कट कर देंगे और इस तरह से देखिए इसको रखते हुए सिलाई लगाएंगे। चौड़ाई जितनी अब चौड़ाई आपको यहाँ पर रखनी है गले की 6.5 या 7 इंच तो उतनी रख सकते हैं। 7 इंच इसकी, 7 इंच के हिसाब से ही हम सिलाई लगाएंगे। चौड़ाई नीचे गले की 7 इंच लेंगे, आप चाहें तो 6.5 या 6.5 ले सकते हैं, जितना रखना है। अगर चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो इसे ज़्यादा फैलाएँ, कम रखनी है तो कम। तो इस तरह देखिए इसे लगा दिया है। अब यहाँ पर एक डिजाइन हमारी कम आ रही है, इसको लगा देंगे इस तरह से। इस साइड हमने एक डिजाइन कम ही लगाई थी कि बाद में लगा देंगे, उस साइड सही है। तो ये देखिए इस तरह से इसको लगा लेना है। तो ये लगा लिया हमने और लगाने के बाद अब हमें इन डिजाइनों के बीच में भी एक एक करके मोती लगा लेनी है। गला जितना डीप रखना है, अगर कम डीप रखना है तो एक लाइन और डिजाइन की बढ़ा सकते हैं।
जैसे हमने तीन लाइन ली नीचे तो चार लाइन कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ऊपर तक रखना है तो ऐसे लाइनें बढ़ा कर रख सकते हैं। अब ये मोतियाँ इस तरह से पूरे पर लगाकर इसको पूरा कर लेंगे दोनों तरफ से, इस साइड भी लगा लेंगे और उस साइड भी, दोनों साइड से हमें ये मोतियाँ इस तरह से डिजाइंस के बीचों बीच लगानी हैं। तो पूरे पर देखिए लगा दी मोती और लास्ट में इसका दोनों प्लेट्स बराबर से बना देंगे। उस साइड जो कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा है उसे कट करके प्लेट्स डालेंगे। एक एक डिजाइन हमारे ज़्यादा आई हैं, थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही लिया था, तो दोनों प्लेट्स इस तरह बना दिया है। प्लेट्स बनाने के बाद ये डिजाइन हमारा बन के तैयार हुआ। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।